देवरिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा। कॉल डिटेल से सामने आया ये सच। घटना वाले दिन प्रेमचंद यादव को नहीं आया था किसी का फोन। पुलिस को पता चला है कि घटना के पहले प्रेमचंद यादव को किसी ने फोन कर लेहरा टोला नहीं बुलाया था, बल्कि वह खुद गया था। पुलिस को मिले मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक घटना के समय प्रेमचंद के मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आई थी। देवरिया के सामूहिक नरसंहार मामले में मृतक प्रेमचंद यादव को घटना के पहले किसी के द्वारा फोन कर बुलाए जाने के दावे लगातार उनकी पत्नी व बेटियां कर रही हैं। लेकिन अब ये दावा निराधार साबित हो गया है, क्योंकि पुलिस विवेचना में पता चला है कि 1 अक्टूबर की देर रात से 2 अक्टूबर की सुबह तक प्रेमचंद के मोबाइल पर किसी का फोन नहीं आया था। गौरतलब है कि ये वही समय है जिसके बीच में प्रेमचंद की हत्या हुई थी। बता दे कि पुलिस प्रेमचंद यादव का फोन तो अभी तक बरामद नहीं कर सकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने प्रेमचंद यादव के फोन का कॉल डिटेल निकालवाया है, जिससे ये पता चलता है कि घटना के समय प्रेमचंद के मोबाइल पर किसी का फोन नहीं आया था। प्रेमचंद यादव स्वयं लेहरा टोला सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचा था, जहां जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हुई। फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें प्रेमचंद यादव की मौत हो गई। जब इसकी जानकारी प्रेमचंद के घर वालों व गांव के लोगों को हुई, तो सत्य प्रकाश दुबे व उनके परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर व धारदार हथियार से हमला कर नरिशंस हत्या कर दी गई। इस वारदात को सत्य प्रकाश के घर में घुसकर अंजाम दिया गया। आगे के वीडियो में पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।